वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम बीसीसी प्रोफेशनल स्काडा सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रेंड कैसे बना सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। यहां पर तीन पैरामीटर हैं, PV1, PV2, PV3। ये कुछ इनके अंदर वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को ही हम अपने ट्रेंड के अंदर कॉन्फिगर करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेंड बनाने के लिए सबसे पहले हम आएंगे स्काडा के अंदर और यहाँ पर HMI टैग के अंदर कुछ टैग बनाएंगे। टैग टेबल 1 के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर बना लेते हैं। पहला टैग है PV1। ये PV हो गया, PV1 हो गया। ऐसे ही इसको, इसके तीन टैग और भी हैं तो वो भी कर लेते हैं, PV1, 2, 3। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आ जाएगा। ये तीन टैग जो PLC के अंदर पड़े हुए हैं वही तीन टैग हमने यहाँ पर ले लिए हैं, PV1, PV_1, PV_2, PV_3। ये तीन टैग यहाँ HMI टैग के अंदर हमने यहाँ पर बना लिए। अब दूसरा काम, हम आएंगे स्क्रीन पे, स्क्रीन नंबर 5 पे आएंगे और यहाँ पर ट्रेंड को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये ट्रेंड आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम ट्रेंड से अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम पेन डालेंगे। तो हम ट्रेंड से अंदर जाएंगे और यहाँ पर trend_1 ये नाम दिया, तो यहाँ पर हम PV_1 डाल देंगे। PV_ ये एक ट्रेंड है, इसके अंदर हम टैग के अंदर जाएंगे और टैग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर HMI टैग के अंदर जो हमने PV1, 2, 3, 4 बनाए हैं इसको यहाँ से डाल देंगे। ये एक डाल दिया, ऐसे ही यहाँ PV2 डालेंगे और यहाँ पर PV2 कर देंगे। ऐसे ही एक तीसरा डाल देंगे PV3 का। तो ये तीन पेन हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, ये हमारे रियल टाइम ट्रेंड है और इसके अंदर टाइम एक्सिस के अंदर हम रेंज में हम स्टार्ट न डाल के टाइम स्पेन डालेंगे। टाइम स्पेन में हम मिनट में करीब 10 मिनट का या 10 मिनट का डाल देता हूँ। टाइम स्पेन के अंदर 10 मिनट का इसका टाइम स्पेन कर देंगे। इसको सेव करेंगे और इसको एक बार रन करेंगे तो आप देख पाएंगे ये यहाँ पर ट्रेंड आ गया है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये ट्रेंड के तीन पेन हैं, PV1, PV2 एंड PV3, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है। इसके अंदर कुछ रन टाइम फीचर्स भी होते हैं। इस तरह से इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये रियल टाइम ट्रेंड है। अगर हम इसको अभी विंडो को क्लोज कर देते हैं या किसी दूसरी विंडो पर जाते हैं, दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं और वापस आएंगे तो इसके अंदर लॉग नहीं होगा, यानी कि ये दोबारा से शुरू से स्टार्ट करेगा। जैसे मैं मान लीजिए स्क्रीन नंबर 2 पर जाता हूँ और फिर से स्क्रीन नंबर 5 पर आता हूँ तो आपके जो ट्रेंड हैं वो यहाँ से गायब हो गए और फिर से रियल टाइम ट्रेंड चलने लगे। यानी कि ये रियल टाइम है, ये ग्राफ को लॉग नहीं कर रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें हम हिस्टोरिकल ट्रेंड को सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।